नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं दिव्य अर्श कल्पवटी के बारे में, जो पतंजलि की तरफ से टैबलेट आती है जिसका प्रयोग करके पाइल्स की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। पाइल चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो जिसके अंदर मस्से हो जाते हैं, दोनों ही समस्याओं में ये दिव्य अर्श कल्पवटी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो आगे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अर्श कल्पवटी के साथ साथ आपको किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका पाइल्स जो है वो जल्दी ठीक हो सकता है। यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो अर्श कल्पवटी लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, आपका बवासीर की समस्या दूर नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अर्श कल्पवटी की जो है वो 80 टैबलेट्स का एक पैक आता है जिसका प्राइस जो है वो 65 रुपीज़ यानी 65 रुपये होता है। इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो 3 साल की होती है, 3 साल तक ये ख़राब नहीं होती। आप इसे पतंजलि स्टोर से या ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। ऑनलाइन ख़रीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सभी नेचुरल हैं, जैसे कि रसोत शुद्ध है, छोटी हरहड़ है, बकायन, निर्मोली, रीठा, देशी कपूर, खून खराबा, इसके अलावा एलोवेरा, घृत कुमारी, नागदौन, ये सभी जो इंग्रेडिएंट हैं वो नेचुरल हैं और ये सभी जो हैं वो बवासीर की समस्या को ठीक करने में फ़ायदेमंद होते हैं। खासकर जो रसोत शुद्ध होता है वो घाव को भरने का काम करता है। बात करें इसके फ़ायदों की, तो इसका मेन जो फ़ायदा होता है वो पाइल्स के लिए अंदर होता है और हेम्योरॉइड्स, दोनों ही समस्याओं में ये फ़ायदेमंद होती है। बात करें इसको प्रयोग कैसे करना है, तो प्रयोग करने के लिए आपको खाली पेट 2-2 गोली सुबह शाम लेनी है। यदि समस्या कम है तो 1-1 गोली भी ले सकते हैं या खाना खाने के 1 घंटा पहले भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसी छोटी छोटी बातों की जिनको यदि आपने फॉलो नहीं किया तो अर्श कल्पवटी लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, बवासीर की समस्या ठीक नहीं होगी। तो सबसे पहला जो है कि आपको बिल्कुल भी गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करना है। गर्म जो वस्तुएं हैं जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, मिर्च मसाले हैं, ये संबंधित चीज़ें आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। इसके अलावा आपको फास्ट फूड, जो भी बाहर की वस्तुएं हैं जिसमें मैदा का इस्तेमाल होता है, वो भी आपको यूज नहीं करनी है। इसके अलावा आपको असंतुलित भोजन यानी एक ऐसा भोजन करना है जिसमें सभी आपके पोषक तत्व हों, सिर्फ एक ही प्रकार का भोजन नहीं करना है। और आपको ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जो ज़्यादा गर्म ना हो, उनकी प्रकृति ठंडी हो। इसके अलावा आपको सलाद की मात्रा को बढ़ाना है शरीर के अंदर। आपको खाने के दौरान या खाने से पहले सलाद को अच्छी मात्रा में लेना है, कच्ची सब्जियों को खाना है, फाइबर वाले फ्रूट जो हैं वो अच्छी प्रकार से आपको सेवन करना है। इसके अलावा अर्श कल्पवटी के साथ साथ आप दिव्य त्रिफला गूगल या फिर अभ्यारिष्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज NS को एलोवेरा जेल से मसाज करें तो उससे भी बवासीर की समस्या में फ़ायदा होता है। एक मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा, इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। यदि आपको पाइल्स की समस्या है तो आप रात का खाना 7 बजे के बाद बिल्कुल भी ना खाएँ, शाम का खाना 7 बजे से पहले खा लें, इससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। ये था आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।